यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने आया है। मेरा नाम स्माइल राठौर है। मैं फौजी अंकल से कहना चाहती हूँ, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपने किनको राखी बांधी? फौजी अंकल को। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। माय नेम इज शर्मा। हम यहाँ पे राखी बांधने आए थे फौजी अंकल को। थैंक यू फौजी अंकल हमारी रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। आज आर्मी वालों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट करने आए हैं। हमारा यहाँ आने का एक और भी कारण है कि ताकि ये लोग अपनी फैमिली से कितने दूर रहते हैं, ये शायद ही इन्हें उस टाइम पे छुट्टी मिल सकती है, ये अपने फैमिली के साथ कोई भी त्यौहार ओकेजन सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं। बाकी तो चलो हमसे शायद नहीं हो सका कि हम अपनी नन्ही बच्चियों के साथ इनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट करने आए, ताकि इन्हें ये एहसास ना हो कि इनकी कलाइयाँ सूनी रह जाएं, इनकी बहनें इनको घर पे याद कर रही होंगी। वो तो हम नहीं पूरी कर सकते, बट चलो इनको एक ये एहसास रहेगा कि हमने ये त्यौहार सेलिब्रेट नहीं किया, या आज बच्चियों के आने से इनको ये रहेगा कि हमारी कलाइयाँ सुनी नहीं रही। थैंक यू सो मच सर। मैम जिस तरह से भारतीय सेना सरहद पे भी रक्षा कर रही है, सर हमें गर्व है कि भारतीय सेना हमारी सरहद पे कितनी बहादुरी से रक्षा कर रही है। ये हमारी हर मुश्किल का, प्रॉब्लम का कंधे से कंधा मिला के सामना कर रही है और हमारा साथ दे रही है। हमें गर्व है सर इन पे, और थैंक यू सो मच सर हमारा इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। थैंक यू सो मच। हम अपने बच्चों को यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए लाए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे आर्मी जवानों के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसका मेन ये भी था कि हम इनके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें कि इनको घर की याद ना आए, इनको ये ना लगे कि इनकी कलाइयाँ सूनी रह गई हैं। और मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी आर्मी जवानों से और जो बॉर्डर पे हमारे रक्षा कर रहे हैं, कि थैंक यू सो मच हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू।